महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया लेख, शीर्षक है ईश्वर और प्रकृति। वाचक निर्मल मिश्र। हम न तो ईश्वर के सब कानूनों को जानते हैं और न हमें उनकी कार्यपद्धति ही मालूम है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक या अध्यात्मवादी का ज्ञान भी रजकण जितना ही है। यदि ईश्वर मेरे लिए अपने पार्थिव पिता की भांति कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वह उससे अनंत गुना अधिक है। मेरे जीवन की छोटी सी छोटी बात भी उसके शासन के अधीन है। मैं शब्दशः मानता हूं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। एक एक सांस जो मैं लेता हूं उसकी कृपा पर निर्भर है। वह और उसका कानून एक ही है। वह कानून ही ईश्वर है। उसका जो भी गुण बताया जाता है वह केवल गुण नहीं है, वह स्वयं ही गुण रूप है। वह सत्य है, प्रेम है, कानून है और हजार अन्य वस्तुएं हैं जो मनुष्य की बुद्धि सोच सकती है। प्रकृति के नियम अटल हैं, अपरिवर्तनीय हैं, और चमत्कार का अर्थ यदि प्रकृति के नियमों का भंग या उल्लंघन माना जाए तो चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती। परंतु हम सीमित प्राणी तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और अपनी क्षुद्र मर्यादाएं ईश्वर पर थोपते हैं। हम ईश्वर की नकल कर सकते हैं मगर वह हमारा अनुकरण नहीं कर सकता। समय का विभाजन हमारे लिए है, उसके लिए नहीं। उसके लिए काल अनंत है, हमारे लिए भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। और महज 100 वर्ष का मानव जीवन अनंत काल के सागर में एक बूंद के सिवा और क्या है? ईश्वर ने अपने खुद के कानूनों में संशोधन करने का स्वयं अपने हाथ में कोई अधिकार नहीं रखा है और न उसे ऐसा कोई संशोधन करने की जरूरत है। वह सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। वह एक ही समय में और बिना किसी प्रयास के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता है। इसीलिए किसी चीज का पुनर्विचार, संशोधन, परिवर्तन या सुधार करने का उसके लिए प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा यह पार्थिव जीवन औरतों की कांच की चूड़ियों से भी अधिक क्षणभंगुर है। आप कांच की चूड़ियों को किसी पेटी में बंद करके सुरक्षित रखें तो हजारों वर्ष तक वे टिक सकती हैं, परंतु यह पार्थिव जीवन इतना क्षणभंगुर है कि पल भर में नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमें जो स्वल्प अवकाश दिया गया है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ऊंच नीच के भेद छोड़ने चाहिए, हृदय की शुद्धि करनी चाहिए और मृत्यु होने पर जो साधारण क्रम में अथवा भूकंप या दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों के द्वारा कभी भी आ सकती है, अपने मालिक के सामने खड़े होने को तैयार रहना चाहिए। सभ्य और असभ्य सारे संसार की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि मानव जाति पर आने वाली तमाम विपत्तियां, जैसे 1934 का बिहार भूकंप, हमारे पापों के कारण आती हैं। जब यह विश्वास हृदय से पैदा होता है तो लोग प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आत्मशोधन करते हैं। मुझे ईश्वर के उद्देश्य का बहुत सीमित ज्ञान है। ऐसी विपत्तियां ईश्वर अथवा प्रकृति की सनक नहीं है, वे उतने ही निश्चित रूप में नियत नियमों के अधीन होती हैं जितनी ग्रहों की चाल उनकी गति के नियमों के अधीन होती है। बात इतनी ही है कि इन घटनाओं का नियंत्रण करने वाले नियमों का हमें ज्ञान नहीं होता और इसीलिए हम उन्हें आकस्मिक विपत्तियां अथवा प्राकृतिक उत्पात कहते हैं। प्रत्येक भौतिक विपत्ति के पीछे कोई ईश्वरीय हेतु होता है। यह बिल्कुल संभव है कि विज्ञान के संपूर्णता को पहुंचने पर किसी दिन हमें वह पहले से ही यह भी बता सके कि भूचाल कब आएंगे, जैसे आजकल वह हमें ग्रहण के बारे में बता देता है। यह मानव मस्तिष्क की एक और विजय होगी, परंतु ऐसी एक नहीं, असंख्य विजयों से भी हमारे अंतर की शुद्धि नहीं हो सकती।
और इस अंतः शुद्धि के बिना किसी भी सफलता का कोई मूल्य नहीं है। जो लोग भीतरी शुद्धि की आवश्यकता को समझते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वे मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि हमें इन विपत्तियों के पीछे ईश्वर का हेतु समझने की बुद्धि मिले। वे हमें विनम्र बनाएं, जब मृत्यु का बुलावा आ पहुंचे तब अपने सृजनहार के समक्ष खड़े होने को हमें तैयार करें, और हम अपने विपत्तिग्रस्त भाइयों का, फिर वे कोई भी हों, दुख बांटने के लिए सदा उद्यत रहें। यह कहना कि ईश्वर इस दुनिया में बुराई होने देता है, भले ही कानों को अच्छा न लगे, परंतु यदि वह भलाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे बुराई के लिए भी जिम्मेदार मानना पड़ेगा। क्या ईश्वर ने रावण को अद्वितीय बल का प्रदर्शन नहीं करने दिया? इस बात को समझने में जो कठिनाई महसूस होती है, उसका मूल कारण यह है कि ईश्वर क्या है, इस बात की हमें ठीक पहचान नहीं है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह वर्णन से परे है, वह कानून बनाने वाला है, कानून भी है और उससे कार्यान्वित करने वाला भी है। कोई मानव प्राणी अपने ही हाथ में ये सारी सत्ताएं लेने की गुस्ताखी नहीं कर सकता, अगर करे तो पूरा निरंकुश समझा जाएगा। ये सत्ताएं तो उसी को शोभा देती हैं जिसे हम ईश्वर कहकर पूजते हैं। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से ईश्वर भलाई और बुराई दोनों के मूल में है। वह कातिल का खंजर और चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर का चाकू दोनों का संचालन करता है, परंतु इसके बावजूद हमारे लिए हमारे जीवन के हित की दृष्टि से भलाई और बुराई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और असंगत हैं। हमारे लिए वे प्रकाश और अंधकार की, ईश्वर और शैतान की प्रतीक हैं। मैं ईश्वर को कोई व्यक्ति नहीं मानता, मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर का कानून तथा ईश्वर इस अर्थ में भिन्न वस्तुएं या तथ्य नहीं है। जिस अर्थ में कोई दुनियावी राजा और उसका कानून अलग अलग होते हैं, चूंकि ईश्वर स्वयं कानून है, इसीलिए यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह कानून को तोड़ता होगा। इसीलिए वह हमारे कार्यों का नियंत्रण नहीं करता और स्वयं हट नहीं जाता। जब हम कहते हैं कि वह हमारे कार्यों का नियंत्रण करता है, तब हम केवल मानव भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे सीमित बनाते हैं, अन्यथा वह और उसका कानून सब जगह विद्यमान है और सबका शासन करते हैं। इसीलिए मैं ऐसा नहीं समझता कि वह हमारी हर प्रार्थना का हर तफसील में उत्तर देता है, परंतु इसमें शक नहीं कि वह हमारे कार्य का नियंत्रण करता है। और मैं अक्षरशः मानता हूं कि घास की एक पत्ती भी उसकी मर्जी के बिना न तो उगती है और न हिलती है। हमें जो इच्छा स्वातंत्र्य प्राप्त है, वह खचाखच भरे जहाज के मुसाफिर के इच्छा स्वातंत्र्य से भी कम है। ईश्वर से लौ लगाते हुए क्या आपको स्वतंत्रता की भावना अनुभव होती है? होती है, तब मुझे वह पराधीनता अनुभव नहीं होती जो यात्रियों से भरी नाव पर बैठे हुए यात्री को होती है। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी स्वतंत्रता एक मुसाफिर की स्वतंत्रता से भी कम है, फिर भी मैं उसकी कद्र करता हूं, क्योंकि गीता का यह उपदेश मेरी रग रग में समा गया है कि मनुष्य इस अर्थ में अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही है, कि उसे इस स्वतंत्रता का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करने की स्वतंत्रता है, परंतु परिणामों का नियंता वह नहीं है। जहां उसने अपने को नियंता माना, वहीं वह ठोकर खाता है। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया लेख, शीर्षक है ईश्वर और प्रकृति, वाचक निर्मल मिश्र।